मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ लोग तो आ रहे। ठीक है फिर, तो स्विच केस मतलब रिवाइज वगैरह किया? सर रिवाइज करा दो सर एक बार। ठीक है, स्विच केस का हम लोग क्या करते हैं, एक अलग एग्जांपल लेते हैं, उससे करते हैं। हमारे पास वो क्या है, यूजर से दो नंबर लेने हैं, ए और बी, और एक ऑपरेटर लेना है। ऑपरेटर कौन सा? ये जो नंबर होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे, और जो ऑपरेटर हमको लेना है वो प्लस हो सकता है, माइनस, है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो भी ले लेते हैं। ठीक है, ये पांच ऑपरेटर्स लेते हैं। फिर मतलब ये पांच ऑपरेटर की लिस्ट है, यूजर इनमें से कोई एक ऑपरेटर ले लेगा, और तीन ऑपरेटर में से उसने जो ऑपरेटर सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करेंगे, ए, और उसके बाद मान लो कोई ऑपरेटर है जिसको हम लोग हैश से दिखा रहे हैं, तो ए हैश बी की वैल्यू जो होगी वो फाइंड करेंगे। ठीक है, हैश ऑपरेटर है जो या तो प्लस हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगर यूजर ने प्लस सेलेक्ट किया तो ए प्लस बी अगर करके क्लास आएगा में सब तो लोग। क्या इसमें वो नहीं है, चटनी वटनी नहीं है? अमित तुम क्यों खा रहे हो ऐसे खराब कर रहे हो? नहीं मम्मी चटनी के साथ खाएंगे। अमित भाई माइक म्यूट कर ले। अगर मैंने कर यूजर दिया। ने माइनस किया तो ए माइनस बी करना होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड किया तो ए डिवाइड में भी, मतलब ए पहले होगा बाद में बी होगा। ये चीज करनी है। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है? ठीक है, यस सर। तब हम लोग इसको स्विच केस से करते हैं। तो स्विच केस से करेंगे तो पहले तो ए और बी बनाएंगे, फिर उनको सीन करा लेंगे, ए सीन करा लिया, बी सीन करा लिया, फिर उसके बाद ऑपरेटर ऑपरेटर सीन कराना है। तो ऑपरेटर किसमें, ऑपरेटर डेटा टाइप कौन सा होगा? केयर कैर होगा, तो कैर एक ऑपरेटर ओपी बना लिया हमने, और उसमें हमने ऑपरेटर का सीन करा लिया, है ना, इनपुट करा लिया ऑपरेटर को। फिर हमारे पास बेसिक डिटेल्स आ गई। अब हमारे पास कितने ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलो। अब हमें स्विच केस से करना है, तो उसके अंदर हम लोग ये अपना ऑपरेटर लिखेंगे, क्योंकि हम ऑपरेटर लोग ये डिसाइड करने वाले कि हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है ना। तो हमने ऑपरेटर को स्विच में, स्विच अंदर एक वेरिएबल की तरह यूज किया, और केस के अंदर ये एक बार प्लस ऑपरेटर लेंगे, एक बार माइनस, एक बार मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे करके लेते जाएंगे। ठीक है, तो स्विच लिखा, स्विच की वर्ड यूज किया, उसके बाद पैरेंथेसिस में जो भी वेरिएबल होता है उसका नाम लिखते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पे हमने ऑपरेटर वेरिएबल को लेकर के हमें सारा काम करना है, इसलिए ऑपरेटर वेरिएबल का नाम क्या था, ओपी था, इसलिए ओपी लिखा। उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट किया स्विच का, और यहाँ पे हम लोग केस लिखते हैं, केस। अब केस के अंदर इस ऑपरेटर की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो हमें अपने प्रोग्राम में यूज करनी है, वही वैल्यूज केस के अंदर लिखते जाते हैं, वही केस बनाते जाते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटर की पांच पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक मल्टीप्लाई है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलो। पहला प्लस बनाता, तो अब ये प्लस जो है ये कैरेक्टर टाइप का है, तो इसलिए हमें इसको सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोलन लगाते हैं, और कोलन लगाने के बाद जो भी टास्क हमें एग्जीक्यूट करना होता है, तो हमें कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना है, हमें करना क्या है कि ए और बी को ऐड करना है। तो हमने क्या किया,
ए और बी को ऐड किया और उसको प्रिंट कराना, तो हमने लिखा सी आउट और ए प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक यूज करेंगे, क्योंकि तो अगर ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो वो सारे आगे के भी जितने भी केसेस होंगे ना, उन सबको ट्रू मान के उन सबकी भी वैल्यूज प्रिंट कराता चला जाएगा जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलता। फिर हो गया इसी तरह से, क्या करेंगे केस टू के लिए करेंगे, माइनस के लिए, माइनस के लिए भी सेम सी आउट ए माइनस बी है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलो ये सारी चीज करेंगे। उसके बाद लास्ट में मान लो मैंने एक मल्टीप्लाई का भी किया, एक डिवाइड का किया, एक मॉडुलो का किया, लास्ट में क्या बनाते हैं हम यूनिट लोग भी क्या, लास्ट में फिर एक डिफॉल्ट डिफॉल्ट केस बनाते हैं। अगर ये कोई केसेस ट्रू नहीं होते तो डिफॉल्ट वाला जो भी टास्क होगा वो एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट में मान लो हमने लिख दिया कि इनवैलिड ऑपरेटर, ऐसा कुछ भी लिख दिया हमने कि आपने जो ऑपरेटर डाला है वो कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता, तो इनवैलिड ऑपरेटर डाल दिया। इसके बाद ब्रेक यूज करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबसे लास्ट में लिखी है। अगर ये डिफॉल्ट सबसे लास्ट में लिखा है तब ब्रेक यूज करो या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्विच से बाहर ही निकल रहा होगा। और अगर ये बीच में लिखा होता है तो हमें ब्रेक यूज करता था, सारी कंडीशन हमने देखी मतलब लास्ट क्लास में, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा कुछ बनेगा प्रोग्राम। तो अभी समझ में आया स्विच और केस कैसे लिखते हैं। यस सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस हाँ आ रही है। तो किसी सर, को कोई डाउट हो तो मुझे, कोई डाउट है किसी को? नहीं फिर सही। डिफॉल्ट एडिटर के में बाद क्या लिखते हैं लिखा है इसका आपने? कोड कहाँ पे? हाँ लास्ट में सबसे दोबारा बोलना। सर, ये डिफॉल्ट के बाद में क्या लिखा है नीचे? डिफॉल्ट सी आउट, हाँ डिफॉल्ट के बाद हम डिफॉल्ट में कुछ भी लिखा सकते हैं, हमने ऐसा लिखा दिया कि ऑपरेटर आपका इनवैलिड है, कुछ भी लिखा सकते हो है ना। मैंने इनवैलिड ऑपरेटर लिखा दिया, या कुछ भी लिखाना हो, जो भी लिखाना हो वो लिख दो, ठीक है। हाँ तो सर ये जरूरी है देखो कि मतलब डिफॉल्ट लिखना जरूरी है? बताता हूँ वो कैसा है। जरूरी देखो, तुम अगर डिफॉल्ट नहीं लिखोगे ना तो क्या होगा कि अगर अगर देखो हमारे पास पांच ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइडर और मॉडुलो है। अगर यूजर ने कुछ ऐसा ऑपरेटर, सेवन मल्टीप्लाई ऐसा मतलब दो तो करेगा, यूजर ने ऑपरेटर की जगह क्या कर दिया कि डॉलर डॉलर डाल दिया, डॉलर भी एक कैरेक्टर है, उसने डॉलर का सिंबल डाल दिया ऑपरेटर की जगह, तो जब डॉलर का सिंबल डाल देगा तो वहां पे क्या होगा कि उसको कोई केस नहीं मिलेगा ना, वो सीधे सीधे बाहर निकल आएगा, कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। तो यूजर को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यूजर को ये कोड दिख नहीं रहा। अगर मान लो ऐसा है, यूजर को ये कोड दिख नहीं रहा है तो यूजर को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि अंदर हुआ क्या, मतलब मैंने गलती क्या की थी, ऐसा कुछ कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसका मैं सीधे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे आप एटीएम जाते हो है ना, एटीएम में गए, मान लो आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज है, और आपने क्या क्या किया, 5,500 इनपुट किया विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब अगर उसके प्रोग्राम में कुछ ऐसी कंडीशन नहीं लगी कि अगर आपकी जो अगर देखो 5,000 से 5,000 या 5,000 से कम अगर आप अमाउंट एंटर करोगे तो वो सीधे सीधे विड्रॉ कर देगा है ना। आपने 4,000 किया, 4,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने 5,500 किया तो वो एक एक मैसेज प्रिंट करके दिखाता है कि इनसफिशियंट बैलेंस बैलेंस ऐसा कुछ करके दिखाएगा कि आपके पास अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है, और वो हमारा बैलेंस भी दिखाता है, वो बैलेंस दिखाता है आपके पास 5,000 रुपए हैं, तो 5,000 या 5,000 से आप विड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर ये चीज नहीं करता वो कि हमारे पास कितने पैसे हैं, ये कुछ दिखाता नहीं कि हमारे पास इनसफिशियंट बैलेंस है, इनसफिशियंट बैलेंस है, और अगर
उसने ये भी नहीं दिखाया कि हमारे पास कितने पैसे हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना, हम तो सोचेंगे कि हमारे पास ज्यादा पैसे हैं। तो प्रोग्राम को एक तरीके से इफिशियंट बनाना या फिर यूजर फ्रेंडली बनाना वगैरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, हेलो फिर यूजर से ऑपरेटर ले लेते हैं, ऑपरेटर मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, और मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और मॉड्यूलो है। पांच ऑपरेटर है, इनमें से कोई ऑपरेटर उसको लेना है, और ऑपरेटर का नाम हमने ओपी लिख रखा है। मैं एक कैप ठीक है, ये तीन चीजें हो गई, तीनों चीजें यूजर, उसके बाद में क्या करूंगा, स्विच लिखूंगा, स्विच में ऑपरेटर लिखा क्योंकि हमें ऑपरेटर के ऊपर केसेस बनाने हैं। फिर मैं केस बनाना चालू करता हूँ, तो पहले ऑपरेटर के लिए केस बना रहा हूँ, मैं प्लस के लिए पहले पहला केस बनाता हूँ। मैंने लिखा केस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लस आता है, अगर प्लस आता है और इस ऑपरेटर में यूजर ने प्लस की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू दे रखी है, यानी जो प्लस दे रखा है अगर ऑपरेटर में, ऑपरेटर पे, तो इस केस के अंदर जो भी टास्क होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम लिख देते हैं a प्लस b सीधे सीधे, और उसके बाद करा देते हैं ब्रेक। फिर माइनस, और उसके बाद माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, और डिवाइड, और मॉड्यूलो, ठीक है। लास्ट पे हम लोग लिख देते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर लिख देते हैं, इनवैलिड ऑपरेटर दिस, ट्राई अगेन। ठीक है, अब हमने पांचों केसेस बना लिया और डिफॉल्ट भी लिख दिया। अब इसने पूछा ए की वैल्यू, मैंने ए दे दिया 8, और बी की वैल्यू उसने पूछा, मैंने दे दिया 5। इसने ऑपरेटर, ऑपरेटर में पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ प्लस, इसने क्या दे दिया 8 प्लस 5 13, ठीक है। फिर उसके बाद मैं माइनस के लिए भी टेस्ट कर लेता हूँ एक बार, 9 3 माइनस 6 दे दिया,
मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15 आ गया, 6 और 2 डिवाइड कराते हैं इनका तो 3 आ गया, 6 और 2 का डिवाइड आ गया 3। अप कराते हैं मॉड्यूलो तो 5 मॉड्यूलो 2 कराते हैं, क्या मिल गया 1। ठीक है, अब कोई एक ऐसा ऑपरेटर डालते हैं जिसमें डिफाइन नहीं है, तो जैसे मैंने डाल दिया इसमें एंड, ठीक है, तो इसमें क्या दे दिया, इनवैलिड ऑपरेटर प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, अगर कोई भी आप इनवैलिड ऑपरेटर दोगे तो वो जो जिसके जिसके लिए केसेस नहीं बन रखे तो उन केसेस उसको क्या करेगा, सीधे सीधे डिफॉल्ट में ले जाएगा। अगर अगर आपने डिफॉल्ट नहीं लिख रखा, मान लो आपने डिफॉल्ट नहीं लिख रखा है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, मैंने हैज लिख दिया और ये देखो, या 3 लिख दिया, मैंने 3 लिखा था तो 3 लिख दिया, कैरेक्टर है हाँ ठीक है, उसने इनपुट भी ले लिया, लेकिन ऐसा कोई केस ही नहीं था जिसमें 3 के लिए कोई केस नहीं था जिसमें ऑपरेटर की वैल्यू 3 हो, इसलिए उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सीधे सीधे बाहर आ गया। और हमने डिफॉल्ट को भी डिफॉल्ट को भी कमेंट कर रखा था, तो डिफॉल्ट वाला केस भी रन नहीं हुआ। ठीक है, कोई डाउट है अभी नो किसी सर, को? ठीक है, अब मान लो हम लोग कुछ ऐसा करते, तुम बताना, जैसे कोई नंबर यूजर्स हम लोग ले रहे हैं और क्या करा रहे हैं कि हमें पता करना है कि वो इवेन इवेन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो वो स्विच केस की हेल्प से कैसे करेंगे, ये सारी चीज तो हट जाएंगी। एक ए ले रहे होंगे, ए एक नंबर है और कैसे करेंगे, अभी वाला समझ में आया ना, जो अभी हमने मतलब एक कैलकुलेटर की तरह यूज किया था स्विच केस को। यस सर, यस सर। तो फिर अब बताओ, अगर कोई नंबर दे रहा है और उसे हमें चेक करना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे स्विच केस के थ्रू? अच्छा, जैसे कोई नंबर इवेंट होता है तो, हाँ कोई कुछ बोल रहा था क्या, अगर कोई नंबर इवेंट होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? उसका मॉड्यूलस 2 से करने पर 0 आता हाँ, अगर कोई नंबर है तो उसका मॉडुलस 2 से किया, और अगर वो 0 है तो आग इवन नंबर होता है, नहीं तो वो ऑड होता है। ठीक, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? अच्छा मतलब क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर आ रही है, क्लियर आ ठीक रही। है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखो, हमारे पास कोई नंबर है उसका हम 2 से मॉड्यूलो कर रहे हैं, तो हमें अगर 0 आता है तो इवन होता है और अगर 1 आता है तो ऑड होता है। एक चीज तो हमें ये पता चल रही है कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, उसको तुम 2 से डिवाइड करोगे ना, तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या 1 बचेगा, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 केसेस बने, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इवन दिखाना है और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो ऑड दिखाना है। समझ में?
यहाँ से कुछ हेल्प हेल्प मिल रही हो, फिर अब बताओ कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे क्या लिख सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या? दोबारा बताऊं? यस सर, दोबारा बता दो। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, यूजर एक नंबर दे रहा है, वो नंबर इवन है या ऑड ये हमें चेक करना है। और इवन और ऑड हमें किसके थ्रू चेक करना है, स्विच केस के थ्रू। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग उससे करते थे, इफ एल्स से करते थे, तो कुछ ही नहीं करते थे, सीधे यूजर से एक नंबर लेते थे, इनपुट कराते थे और एक कंडीशन लगाते थे। क्या लगाते थे? कि इफ नम मॉडुलो टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू 0 है तो इवन करा दो, नहीं तो ऑड प्रिंट करा दो। ये करते थे ना सीधे सीधे। तो केसेस कितने थे तुम्हारे पास? दो केसेस थे ना, या तो किसी नंबर को, जैसे तुम फोर को लोगे, फोर को लोगे, फोर को टू से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है? 0। 5 को लोगे तो टू से जीरो डिवाइड करोगे तो 1 है ना। तो किसी भी नंबर को हम जब दो से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो एक ही दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, दो पॉसिबिलिटीज है बस। 0 और 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो दो से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बन रहे थे जब हमने इस क्वेश्चन को इफ एल्स से किया था। क्या किया था कि इफ नम मॉडुलो टू इक्वल्स टू 0 है तो इवन प्रिंट कराना है, और अगर 0 नहीं है तो 0 के अलावा क्या होगा? 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 ही होगा, तो ऑड प्रिंट करा देना। तो यहाँ से कुछ हेल्प लेकर के तुम सोचो कि स्विच केस में कुछ मतलब क्या लिख, कुछ कर सकते हो क्या, कैसा कर, कैसे कैसे लिख सकते हो? तो अगर तुमको इवन और ऑड कराने, हमने यूजर से नंबर की वैल्यू सीन करा ली, ठीक है, अब मैं क्या करूं? जैसे यहाँ पे दो केसेस बन रहे थे, नंबर का टू से मॉड्यूलो कराने पे 0 आ रहा था, तो कोई भी नंबर है उसको डिवाइड करोगे कराओगे दो से, तो या रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा। केस कितने बने? दो। अभी कुछ समझ में आ रहा है किसी को? कोई गेस कर पा रहा है कैसे बनेगा कुछ? सर इसको ऐसे लिखेंगे सर, केस यदि 0 आता है तो फिर उसके नीचे लिख देंगे कि सी आउट योर नंबर इज इवन करा दीजिए, और फिर ब्रेक करके फिर दूसरा ऐसे ही लिख देंगे। हाँ, तो फिर जो स्विच लिखेंगे ना हम लोग, स्विच के अंदर क्या लिखेंगे, स्विच के पैरेंथेसिस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर यहाँ किसी पे एक प्रिंट, इंटीजर नम का मॉडुलो करा देंगे 2 से, एंड वही इंटीजर इसमें लिखेंगे। मतलब कैसे लिखेंगे ये बताओ। इंट ए करा दिया, मतलब इंट्रोड्यूस करा दिया, वो डिक्लेयर कर दिया, फिर ए में नम मॉडुलो 2 की वैल्यू स्टोर करा दी, एंड देन स्विच ए लिख दिया। अच्छा हाँ, इंट ए करा दिया हमने, एक अपने अलग से वेरिएबल बना लिया उसमें, नम मॉड्यूलो टू करा लिया, ठीक है, और स्विच के अंदर ए वेरिएबल को डाल दिया, क्योंकि ए को चेक करना है, या तो ये 0 होगा या तो ये 1 होगा। सबको समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, तो एक ही नंबर यूजर से ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे अलग से एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए, जो मॉडुलो स्टोर कर लेगा, नंबर का तो से मॉडुलो स्टोर कर लेगा। अच्छा, मैं पहले इस क्वेश्चन को ना इफ एल्स से करके दिखाता हूँ, इसी अप्रोच से इफ एल्स से करके दिखाता हूँ। ए में हमने क्या किया, नंबर को टू से मॉडुलो करके जो भी वैल्यू आई वो स्टोर कर लिया, और इसमें दो ही वैल्यू आ सकती है, या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी, है ना, एक के अंदर दो ही चीज आएगी, 0 या 1। तो हमने क्या किया कि इफ ए इज इक्वल्स टू 0 तो सी आउट इवन करा दिया, ठीक और एल्स ने करा दिया सी आउट और ठीक है। अब इसको रन कर दें हम लोग, तो
नंबर की वैल्यू मैं 2 देता हूँ इवन आ जा रही है, नंबर की वैल्यू मैं 5 देता हूँ तो ऑड आ जा रहा है। अब यही केसेस जो इफ एल्स में तुमने लिखा है इन्हीं को स्विच के अंदर डाल देना है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इफ एल्स की कंडीशन है इसको टर्नरी ऑपरेटर यूज करके कैसे करेंगे? जो टर्नरी ऑपरेटर हमने देखा था ये वाला देखा था ना, क्वेश्चन मार्क देन कॉलम कोलन, ठीक है। इसमें यहाँ पे कंडीशन होती थी, फिर यहाँ पे वैल्यू वो टास्क होता था, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू ट्रू पे जो एग्जीक्यूट कराना होता था, और अगर फॉल्स होती थी तो यहाँ पे जो भी लिखना होता था। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने एक ही वैल्यू हमने ले ली है, एक ही वैल्यू नम मॉडुलस 2 ले ली है। अब हमें इसको टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से कराना है, इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर की तो लिखो या फिर ऐसे लिखो। तो टर्नरी ऑपरेटर हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास ए है मतलब ए को चेक करना है ना, ए अगर 0 है तो हमें इवन प्रिंट कराना है, और ए अगर 1 है तो ऑड प्रिंट कराना है। तो हमने क्या किया कि पहले तो हम ये क्वेश्चन मार्क लगा देते और ये कोलन लगा देते, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड में क्या होता है, कंडीशन होती है। इसमें क्या लिखा हमने, ए इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन लिख दी। और अगर ट्रू होगा तो जो यहाँ पे लिखा होगा वो पूरा टास्क को एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे जो लिखा होगा वो पूरा टास्क एग्जीक्यूट होगा। तो ट्रू में हमें क्या करना है, अगर ए की वैल्यू 0 है तो हम क्या कराएंगे, टी आउट इवन, और अगर फॉल्स होगा तो टी आउट और, ये कराना होगा ना। और अगर मैं ए की वैल्यू क्या कर ये दू 1, तो ए की वैल्यू 1 कर दू तो ट्रू में क्या कराएंगे, ट्रू में कराएंगे और और फॉल्स में कराएंगे इवन, कंडीशन में चेंज कर दे, ठीक है। तो ऐसे जैसे कोई इफ एल्स वाला सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है ना, उसको टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू किया करो तो क्या होता है ना, टर्नरी ऑपरेटर में कंफर्टेबल हो जाओगे। चलो इसे हम लोग स्विच केस से करते हैं। मैंने लिखा स्विच, स्विच के अंदर मैं क्या डालूंगा, ए, क्योंकि मुझे ए को चेक करना है कि ए 0 है या 1। फिर उसके बाद मैं बनाता हूँ केस 0, जब ए की वैल्यू 0 होगी तो मैंने केस 0 लिख दिया उसको। अगर ए की वैल्यू 0 है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, सी आउट कराना है मुझे इवन, और उसके बाद ब्रेक। और अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो मुझे क्या प्रिंट कराना, ऑड। और इसके बाद भी ब्रेक, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग रन करें और ए की वैल्यू अगर हमने 5 इनपुट करता हूँ तो ऑड आ रहा है, और अगर मैं ए की वैल्यू 6 इनपुट करता हूँ तो इवेन आ रहा है, ठीक है। समझ में है सबको, इवेन ऑड स्विच केस के थ्रू कैसे करा रहे हैं? यस सर, ठीक है, तो स्विच केस में हमने कई क्वेश्चंस कर लिए ना, एक तो पहले वीक वीक का कर लिया, संडे मंडे वाला कर लिया है ना, और फिर दूसरा किया था हमने जनवरी फरवरी का, तीसरा ऑपरेटर्स का कर लिया कैलकुलेटर टाइप, और चौथा कर लिया हमने इवन ऑड का। ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते हो। अब तुम ये बताओ, अगर तुम अगर तुम्हें यहीं पे वो करना होता है कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है तो लिखाना है यू कैन वोट, और लेस देन 18 अगर एज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 है तो तुम्हें यू कैन वोट लिखाना है, नहीं तो तुम्हें यू कैन नॉट वोट लिखाना है। तो वो भी कर सकते हो सीधे सीधे, वहां पे क्या करोगे, यूजर से उसकी एज मांगोगे, और स्विच के अंदर क्या डालोगे, स्विच के अंदर कंडीशन में पहले
में क्या पड़ेगा? एज पड़ेगी ना, एज, क्योंकि हमें एज कैलकुलेट, एज कंपेयर करना है. नो, एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि उसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. अगर एज हमारी, अगर ऐसा है कुछ कि एग्जैक्ट 18 है, अगर आपकी एज एग्जैक्ट 18 है तो आप वोट कर सकते हो, और अगर आपकी एज जो है वो 18 या 18 से कम है तो फिर आप वोट नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू वाला प्रॉब्लम होगी तो वो आप स्विच केस के थ्रू कर सकते हो. ठीक है, तो अब स्विच केस में थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लगे होगे ना. बाकी ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इनको वापस से अपने से खुद से बना के करना, तो सिंटैक्स वगैरह क्लियर हो जाएगा और काम कैसे करता है वो तो समझ में ही आ गया. एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन चलो बस अगली सिंटैक्स फॉल्स हुई बना तो अगली देंगे। कंडीशन चेक करेगा. हाँ स्विच का सिंटैक्स स्विच का सिंटैक्स मैं समझ नहीं पाया. प्रशांत तुम क्या बोलना चाह रहे हो? जी, आपने स्विच केस पढ़ाया है ना, तो सर इसका सिंटैक्स भी तो होगा। हाँ, तो स्विच का सिंटैक्स यही तो है. स्विच स्विच कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये जो जिस ऑपरेटर मतलब जिस वेरिएबल के लिए तुमने केसेस बना रखे हैं उस वेरिएबल को लिखते हैं, उसके बाद उसका ब्लॉक चालू होता है. ये ब्लॉक चालू हुआ, ठीक है, उसके बाद केस कीवर्ड यूज करेंगे. उसके बाद जो केस तुम्हें तो बनाना हो, जैसे एक ही वैल्यू, हमें दो पॉसिबल वैल्यूज थी, 0 और 1. हमने 0 और 1 लिख दिया. केस 0 पे ये करा दिया, केस 1 पे ऐसा करा दिया. यही तो है सिंटैक्स इसका. समझ गए? ओके ठीक है. और तुम लोगों ने पैटर्न वाले क्वेश्चन करे थे, पैटर्न वाले क्वेश्चन करे थे. फिर आज तो एग्जाम ओवर हो गया होगा ना. किसी ने नहीं किया क्या? ठीक किए थे सर। सर, किए थे. है, और एक पीडीएफ ग्रुप में भी पड़ी थी, वहां से भी कर लेना तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यस प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना पैटर्न वाले में? ठीक सर. नो सर, अभी नहीं आई. है, और ये जो कोडशिप के क्वेश्चंस थे ये वाली पीडीएफ, इनमें से करें सेकंड यस सर. पीडीएफ देखिए किसी में प्रॉब्लम आई, नो सर. और किसी को आई? और संडे को पीशेट होगा ना तुम लोग का, तो अगर कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स कर लोगे तो तुम्हें मतलब पता चल जाएगा कि ऑनलाइन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, समझना कैसे है, किस टाइप से प्रॉब्लम्स आती हैं, कंस्ट्रेंट्स कैसे कैसे होते हैं, और इनपुट ये इनपुट कैसे लेना होता है, आउटपुट कैसे लेना होता है, लूप कैसे रन करना है, टेस्ट केसेस दिए हैं तो अब लूप लगा के करना है या फिर बिना लूप के करना है ना. और बताओ किसी में प्रॉब्लम हो तो फिर मैं कोई एक प्रॉब्लम बता देता हूँ. तो अगर ऐसे किसी को मतलब प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही, प्रॉब्लम पड़ी है पर कैसे स्टार्ट करें ये समझ में नहीं आ रहा, या फिर प्रॉब्लम में कुछ स्पेसिफिक ऐसा पोर्शन है जो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, या फिर इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? सब कुछ समझ में आ रहा यस सर, हो गए वाले क्वेश्चन. है? पूरे कर लिए, 10 10 के 10 कर लिए? ठीक यस सर. है, तो खुद से करते हो ना, सोल्यूशन वगैरह तो नहीं देखते? नो सर. ठीक है, फिर तो जिनसे हो गया तो अच्छी बात है. और बाकी बाकी यार कोई तो होगा जिसको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में?
नहीं है, मतलब अगर कंफर्टेबल नहीं हो, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सॉल्व कैसे करना है, तो मैं एक बार एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, पी सेट होगा ना, तो तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना कि ऑनलाइन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, लिखते कैसे, इनपुट आउटपुट वगैरह कैसे लेते हैं, टेस्ट केसेस वगैरह। वहाँ पे ऑनलाइन जब लिख रहे होते तो ऐसा कुछ लिखना नहीं होता ना कि इंटर द नंबर, इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ भी, ऐसा कुछ तो लिखते नहीं है। एक ही लाइन में इनपुट करा लेते हैं, एक ही लाइन में आउटपुट कराते हैं, सीधे 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 वेरिएबल बना के सीधे इनपुट कराते हैं। सर, हाँ सर पैटर्न वाले क्वेश्चन में सर वो 5 स्टार प्रिंट्स करने का था सर, उसमें सीधे प्रिंट तो हो जाते हैं सर, बट वो जो यहाँ से मतलब लेफ्ट साइड से जो गैप के साथ वो प्रिंट करना होता है सर, वो नहीं आ रहा। वही तो। आप इसमें जैसे इसमें कौन सा क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह में से कोई? सर थर्ड वाला कह रहे हैं, थर्ड वाला थर्ड वाला तो शायद डिस्कस किया था ना हमने। जैसे देखो, ये जो थर्ड वाला पैटर्न है, इसमें फर्स्ट लाइन में तुम देखो एक स्टार है, सेकंड लाइन में दो स्टार है, थर्ड लाइन में तीन स्टार है। ठीक, अगर एक स्टार है और चार स्पेसेस भी तो है, मतलब अगर ये कितने हैं, चार स्पेसेस हैं, चार स्पेसेस हैं, फिर तीन दो स्पेसेस हैं, फिर दो, फिर एक भी नहीं। जो तुम स्टार प्रिंट करने के लिए, जो तुमने सेकंड क्वेश्चन के लिए किया ना, सेकंड हो गया था तुमसे? डिस्कस किया था क्लास में भी। तो अगर सेकंड वाला जैसे कराया था वैसे सेम टू सेम थर्ड वाला होगा। सेकंड वाले में तुम्हें स्पेस की जगह, मतलब जो तुम्हारा सेकंड वाले में स्पेस जहां जहां प्रिंटेड था, देखो बस पैटर्न चेंज है एकदम से। समझ रहे हो बात को? यस सर, आई विल ट्राई। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तब तो बता ही देंगे। और एक क्वेश्चन और दिया है मैंने इसी में, चैट में डाला है। अच्छा प्रॉब्लम है ये, थोड़ा मेरे से फर्स्ट टाइम इवन सेकंड टाइम भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन इजी है, बाद में हो गया था, बट मतलब नहीं हुआ था ये पहली बार में मेरे से। तुम लोग एक बार ट्राई करना, अगर किसी के पास कोई और अप्रोच आ रही होगी तो वो भी बताना। यस सर। बाकी कोड शेफ के अभी तो टाइम है, आलोक करवा दे, अभी हो गया हो अगर तो फिर कोड शेफ के क्वेश्चन ही करा देते। पैलिंड्रोम बता देता हूँ फिर मैं। पैलिंड्रोम मैं सोच रहा हूँ पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर ये लोग खुद करके ले आएंगे। पैलिंड्रोम का ठीक हो है ही जाएगा, ठीक। ठीक है? फिर उसके बाद अब इन्हें किसी को डाउट ही भाई नहीं है स्पून कि फीडिंग ज्यादा मत करना, पता है, मतलब इन लोगों को खुद भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ हर टाइप के नहीं, क्वेश्चन नहीं बता सकते भाई। वो तो ठीक है, लेकिन मतलब इनसे मतलब जैसे मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे तो सबसे 10 के 10 हो गए, मतलब 2-3 लोग बोल रहे हैं कि हो गए, बाकी एक सारे हो दो गए? हाँ 1-2 लोगों से सारे हो गए। सही है यार। यस अच्छा ये वाला ट्राई करना, तो जो मैंने अभी भेजा सर, ये इजी स्मॉल, प्रॉब्लम थी, जो ज्यादा टफ नहीं थी वो। ये भी इजी है। हाँ तो ट्राई करो यार फिर। चलो मैम, एक पैलिंड्रोम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पैलिंड्रोम बताता हूँ, फिर उसका कोड तुम लोग खुद करके आना, ठीक है? तो पैलिंड्रोम नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, और 1, 2, 3,
2 1 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 इस फर्स्ट नंबर को मैं आगे से पढ़ूंगा तो कुछ अलग आएगा, पीछे से पढ़ूंगा तो कुछ अलग आएगा, और जो सेकंड नंबर को अगर मैं आगे से पढ़ूंगा तो वही आ रहा है, और बैक साइड से पढ़ने पे भी वही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आगे से पढ़ने भी वही चीज है और बैक साइड से भी पढ़ने में वही चीज है, तो वो नंबर क्या होती है, पैलिंड्रोम होती है। जैसे नयन सर है ना, नयन सर का नाम अगर आप आगे से पढ़ोगे तो भी नया नहीं आएगा, पीछे से पढ़ोगे तो भी नया नहीं आएगा, हिंदी में भी तो दिस इज होता द है ना। रीजन कि उसने अपना नाम मिस्टर मिस्टर पेलिंड्रोम रखा हुआ। हाँ, यूजर ने तो हिंदी में भी देखो नया, और एक हिंदी में वर्ड है क्या, मलयालम, इसको पढ़ो, मलयालम मलयालम, ठीक है। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, आगे से जो पढ़ोगे तो आगे भी पीछे सेम, तो एक जैसे हो, चार्ज रिवर्स करने के बाद भी वही हो। पैलिंड्रोम का मतलब समझ आ गया ना, मतलब क्या होता है पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम। का मतलब, यस सर, यस सर, आगे से यस पढ़ो चाहे सर, पीछे से पढ़ो सेम ही रहेगा, सर जैसे ठीक इलेवन है। का स्क्वायर होता है वैसे ही ना, 1 2 1 फिर 1 1 1 का स्क्वायर हो हाँ, जाएगा। 1 2 1 भी एक पैलिंड्रोम है, चाहे उसको 1 2 1 आगे से लिखो पीछे सेम ही होगा ना, वैसे ही है। अभी स्ट्रिंग्स पढ़ाएंगे उसमें फिर तुम खुद से क्वेश्चन ही करना कि। अरे ये भी हो अच्छा जाएगा ठीक यार, है, ये भी अभी तुम करना। एक चीज कर सकते हो, कोई भी यूजर एक नंबर दे रहा है, ठीक, तुम्हें बताना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। कर सकते हो यस कैसे? सर, सर उसको जो रिवर्स कर जो कर दीजिए। सकता है वो तो ठीक है, कितने लोग कर सकते हैं? हो जाएगा, एक वर्ड तो बता दिया, अब तो यार हिंट मिल चुका है तुम लोगों को। सबसे हो जाना चाहिए अब तो। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा, पैलिंड्रोम का मतलब भी पता है, हिंट भी मिल गया, करना क्या है, पहला स्टेप। एक नंबर दिया यूजर ने एन, ठीक, अब तुम्हें बताना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम रिपीट करना है फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन मत नहीं मत सॉल्व मत कराना अभी, ये लोग खुद ही करेंगे। अभी अगला रिपीट टॉपिक करने क्या है? बोला है, रिपीट करने के लिए बोला है। नहीं वो हो गया, मैंने पहले पढ़ लिया था, तेरी स्क्रीन में लेट आया। ठीक है, अच्छा, पैलिंड्रोम तो आगे का क्या है? पैलिंड्रोम बताना है। पैलिंड्रोम हो गया, पैलिंड्रोम अब आगे ज्यादा मत बताना, नहीं फिर हाँ क्वेश्चन रिवील हो जाएंगे। बाकी फिर ये बाकी फिर अब आ रहे हैं फिर, और क्या कोड सबकी बोले ये लोग इधर तो पे हो गया बता इतना पूरा, करके बता देता हूँ। डबल एंड ऑपरेटर वगैरह बता दिए सारे, हाँ डबल एंड ऑपरेटर बता दिया था, डबल एंड डबल पी डॉट। सेट के हिसाब से ये लोग, मतलब इनके पास फिर एक्सक्यूज ना रहेगी, ये तो पढ़ाया नहीं था। सब कुछ पढ़ाया है, चलो ऑपरेटर्स ठीक है, पूरे फिर कोड पढ़ाए शेफ के हैं। कुछ क्वेश्चन ही करा देते हैं, 4 5 करा देते हो जाएगा, फिर कल से कुछ और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली पीडीएफ में है क्या, किसी को डाउट अभी भी इसमें से, एक क्वेश्चन पिकअप करके बता दूं कैसे करना है, जिसमें यहां किस से मत असेसमेंट कर, वाला। वैसे कर दे, वैसे कर दे, ठीक है कोड फिर, शेफ फुल बता रहा हूँ। आई होप सब लोग कोड शेफ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब लोगों ने कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन तो सॉल्व किए होंगे कोड शेफ में। और 10 मिनट में बहुत स्लो है यार। मौसम भी सही नहीं है यार। ओपन ही नहीं हो रहा अब वो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे।